बंधुओं, माताओं, बहनों, ये तीन दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे जागू बिराने मीत, ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में सो क्यों सुते नीचिन। और तीन पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से, मन का तीन पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपके आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी ईर्ष्या से। बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी, रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे। आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। ये मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद। ये ईर्ष्या मन की, मन का पाप है। और दूसरा द्वेष, आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, मर क्यों नहीं जाता है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है, इसका बेटा इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है। ये द्वेष अंदर में छिपा के, एक एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे, तो पत्नी ने पति से कही, पति देव, हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर लिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते एक लड़का पैदा लिया। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उसे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। बड़की, छोटकी को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को, अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा, तू तो खुद अपने दूल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद लिया, अब खाओ ना रोटी टटाल सुखल आ सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी, तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह झगड़ा लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। रात दिन जहां कलह होगा, निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाना। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया, आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान, इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाता। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन
उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है। ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा ठीक, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर, ये भी निपुत्र हुआ, हम भी निपुत्र हुए, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं। अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है, मेरे इतना रूपवान। महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये तीन पाप मन का है, मन का विकार है तीन, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूंगा। यह पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का तीन पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु मैं नहीं, और न किसी जीव का हिंसा करूंगा और न किसी के साथ मैं व्यभिचार करूंगा। ये तीन बंदगी। बीजक में हर जगह साहेब जी चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, एक बार से भी काम चल सकता था, तीन बार कहने का क्या मतलब है, ये तीन गुण का रस्सा पूरे विश्व को बांध के रखा है। इसलिए तीनों रस्सा को काटने के लिए हमारे कबीर पंथ में जयकारा भी तीन बार लगता है और बंदगी भी तीन बार होती है। यही तीन बोलिए, ये तीन से बच के आपका जीवन सुखी हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है क्या, आपकी मुक्ति हो सकती है क्या, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है क्या? ये कबीर से कोई नहीं बच के रह सकते। और सारे देवी देवता देवता से आप बच सकते हैं उनको नहीं बच के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला नहीं। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे को। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं मैंने कहा निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति।
यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि यह भक्ति आपका गलत है, और इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता है। इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीरपंथी है तो कोई आर समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृभक्ति बढ़ा पाएंगे इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला नहीं, कहीं से नहीं, ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर मां का लागत कितना है, और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है, और है और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर। पिताजी ने मजदूरी करके किसी का बिगाड़ करके आधा पेट खा के फाटल धोती पहन के और पढ़ा के लिखा के आपको इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बना दिया है, किसी का लागत इस पर है? बनाया आपके लिए, जमीन खरीदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो बोलोरो फॉर्चूनर खरीद दिया, आपका शादी विवाह कर दिया, दूसरा किसका लागत है? आप पितृ भक्ति करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातृभक्ति, इसलिए कि मां का लागत इस शरीर पर 12 आना है, अब पिता का लागत 4 आना है, इसलिए मां को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इस भक्ति पर आ जाइए आप, सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातृभक्ति पर आ जाइए, पितृभक्ति पर आ जाइए। और सबसे बड़ा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचय कराने वाला, सारे बुरे कर्म को छोड़ाने वाला, सारे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी चोरी बेईमानी मिलावट बाजी, इन सारे पाप कर्मों से, सारे बुरे कर्मों से, सारी आसक्ति से निकाला किसने? सदगुरु ने। सदगुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है, कोई नहीं निकालने वाला है। इस संसार से निकालने वाले एक सदगुरु, माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा का मालिक है। चूंकि मां ने मुझे बहुत सेवा किया, पिता का सेवा मेरे ऊपर है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से ऋण से हम मुक्ति पा जाए, ये भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सदगुरु का है, सारे भेदभाव से निकालकर, सारे गलत कर्मों से निकालकर, सारे दुखों से निकालकर, अगर सही में सदगुरु कबीर का ज्ञान मनुष्य को हो जाए, अगर 5 दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं बुझाएगा, इतना बड़ा ज्ञान। एक बार मैं जा रहा था सत्संग में, हमारे साथ एक आदमी थे, वो रेल से रिटायर किए थे, जब मुजफ्फरपुर में गाड़ी गई
तो उन्होंने हमसे कहा, साहब जी एक मित्र हमारा है मुजफ्फरपुर में, टीटी है, उसे हम जरा भेंट करेंगे। हम कहा कि भेंट कर लीजिए। भेंट करने के लिए वो अंदर गए, हमको छोड़ दिए बरामदा पर बाहर। अंदर जब गए तो टीटी महोदय इनसे अपने घर का दुखड़ा सुनाना शुरू किया। भाई में बंटवारा हुआ, भाई ने कुछ अधिक संपत्ति ले लिया, इनको कम दिया, इसके चलते मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, मामला फौजदारी हो गया। यही दुख इनको सुना रहे थे और बाहर में बरामदा पर बैठ के हम सुन रहे थे। मैंने वहां से सदगुरु कबीर की एक साखी बोल दिया बरामदा पर से, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। इतना बात जब मैं बरामदा पर से बोला, वो टीटी महोदय दौड़ के आए बरामदा पर, कहा साहब जी एक बार और दोहरा दीजिए। मैंने दोहरा दिया, वो कॉपी में लिख लिया और कहा कि आज मेरा सारा दुख दर्द खत्म, अब मैं भाई से लड़ाई नहीं लड़ूंगा और जाता हूं मामला अब सोलह कर दूंगा। जब साहब कबीर ने इस धन को बेस्या से तुलना कर दिया तो इसके लिए अब लड़ाई क्या लड़ना है, बातें खत्म कर देना। गया और भाई से केस सोलह कर लिया, समाप्त कर दिया केस को, कहा कि अब लड़ाई लड़ना नहीं। कबीर साहेब कबीर की वाणी औषधि है, मनुष्य के जीवन के लिए वो दवा है, औषधि है। कबीर के बिना जीना इस धरती पर असंभव है। दुख है, क्लेश है, कष्ट है, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा साहेब कबीर के बिना। तो मैंने कहा श्रद्धा कहाँ रखना है, अपने माँ में रखिए श्रद्धा, क्योंकि माँ का कर्जा बहुत है आपके ऊपर। माँ का जितना सेवा हो आप सेवा करके उड़ीन हो जाइए, पिता का जितना सेवा हो आप जो मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हैं, देवी देवता के पीछे जो खर्च कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, सब झूठ है, कहीं सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि जितना खर्च करना हो अपने माँ पर, जितना खर्च करना हो अपने पिता पर, ये सच्चाई है, ये वाजिब है और ये सही। और पूजा तो गुरु की होनी चाहिए, माता पिता की सेवा और गुरु की पूजा। इसलिए गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके गुरु करे से होई। गुरु से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है, सबके बारे में गुरु जी ने ही बताया। बंधुओं ये तीन साहब कबीर की भक्ति है। कल भी मैंने भक्ति पर चर्चा किया, आज भी मैं भगवान राम जब सेवरी के यहां गए तो नौ प्रकार की भक्ति बताए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस मानव को, इस दुनिया वालों को मात्र चार प्रकार की भक्ति बताया, जिसमें पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा अपने माँ में, श्रद्धा अपने पिता में, श्रद्धा अपने सदगुरु में, और श्रद्धा ये आए हुए अतिथि में। अतिथि देवो भव, आपके दरवाजे पर जो संत महात्मा तिथि के आवे, बिना तिथि के आवे, उसकी सेवा में आपको चूकना नहीं। वही तो आपका भगवान है, वही तो आपका पूज्य है, उसकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये चार मुख्य देवता आपके हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देव। अतिथि का सेवा होना चाहिए। बहुत सारे लोग संत की सेवा में नहीं करते हैं, चूक जाते हैं।
ये बहुत बड़ा गलत बात है। आप मंदिर में जाके इतना खर्च करते हो, मस्जिद में जाके इतना खर्च करते हो, बैनाथ धाम में जाके। कल संत जी कह रहे थे कि जहां भागवत कथा हुआ माताएं लोग क्या क्या लेके वहां गई, और जहां सत्संग है वहां क्या लेके आई है, कुछ लेके आई है संत के लिए, कुछ लेके आई है भेंट, कुछ नहीं। लेकिन जहां भागवत कथा हो, जहां महाविष्णु जग हो, जहां महारुद्र जग हो, एक जगह का मुजफ्फरपुर से पश्चिम एक गांव है धनैया, गांव का नाम है धनैया और राजपूत का गांव है। अब वास्तव में लोग धनी है। वहां पर परम पूज्य अभिलाख साहब के बहुत सारे शिष्य भूमिहार और राजपूत साहब जी के शिष्य, वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं, वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं कार्यक्रम में। वो पूछते हैं रमा शंकर साहब बिहार में पारखी संत अभी भी कम है, तो बराबर हमको बुलाते हैं कि साहब जी थोड़ा अच्छा बोलते हैं, पारख सिद्धांत पर बोलते हैं, इसलिए इनको जरूर बुलाया जाए। तो हमको खबर किए तो हम आए, मंच पर गए, मंच संचालक ने मुझे बुलाया तो मैं गया। उस दिन का चर्चा का विषय हमारा था, ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं, आधी दैविक ईश्वर, आधी भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। ये तीन ईश्वर पर मैंने चर्चा किया, लगभग 2.5-3 घंटा समय बीत गया। अब मेरे पीछे जाड़ा का समय था, मेरे पीछे एक 80-85 बरस के बुजुर्ग अच्छे घराने के राजपूत थे, बनिया कुर्ता धोती बंडी मफलर टोपी लगा के बैठे थे। मैं हटा मन से, माइक छोड़ा और बिना कहे आके माइक पकड़ दिया। एक बीच दर्शक दीर्घा में एक खूब मोटा तगड़ा नौजवान मुंह में शिखर पराग रखे हुए और हाथ में देखा मैं इतना दूर तक बद्धी बैनाथ धाम वाला बांधे हुए था, वो बैठा हुआ था बीच में। उससे हमको भय भी लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ बोला गया तो मंगनी में हमारा गर्दन घुमा देगा। जब मैं हटा वो बैठ गया मंच पर, वो बोलता है बेटा जुगल किशोर, तो उठ के खड़ा हो गया। हम बुझे मामला आज है गड़बड़, ये कुछ होगा जरूर आज। एक 15 दिन पहले उसके यहां महा विष्णु जग हुआ था, उस व्यक्ति जुगल किशोर के यहां, उसमें उसका लागत था लगभग 20 लाख रुपया। 1.25 महीना चला महाविष्णु जग, 1.25 लाख रुपया का लागत था। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा जुगल किशोर, कहा कि हां पिताजी, ये रमा शंकर साहब का जो अभी प्रवचन हुआ तीन ईश्वर पर, बेटा इससे लगा कि 200 लाख रुपया पानी में चला गया। सारे लोग ठग के ले गए, वास्तविकता कुछ नहीं है, ये झूठ में चला गया, ये झूठ में गया। दूसरा बार जब आचार्य प्रवर धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम वहां बना, जिसमें रंजीत साहब भी गए थे, कितना स्वागत हो जुगल किशोर सिंह, हमको कहा कि पहले आचार्य प्रवर को मेरे दरवाजे पर लाइएगा, तब यहां से जाएंगे सत्संग में। मैं उनके यहां ले गया साहेब जी को, कितना स्वागत उसने किया साहेब जी का और सारे संत का, वो जुगल किशोर से। बंधुओं, दूसरी भक्ति साहेब कबीर का है, पहली भक्ति तो है श्रद्धा भक्ति
और दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, मानव मात्र से प्रेम। माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा और मानव के प्रति प्रेम। वो प्रेम कैसा, साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन हो तासुको जो तन मन बोले सांच। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब कबीर कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जगत मर गया लेकिन पंडित कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों? उनका कहना है ढाई आखर प्रेम का पौर संयुक्त एकार मोहलंत, जो प्रेम का पढ़ाई पढ़ा वो पंडित है। तो वास्तव में प्रेम है क्या? मैंने सोचा, उस दिन मैं मैट्रिक में था, पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रेम तो सास बहू में है, प्रेम तो पति पत्नी में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो साला बहनोई में है, प्रेम तो ससुर दामाद में है। अभी साहब कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते हैं? है क्या प्रेम? एक आदमी एक व्यक्ति से पूछा कि सीता बहन जी ने सत्संग कराई, अब उस सत्संग में आपको मैंने नहीं देखा, आप कहां थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा, आपको नहीं देखा, आप कहां थे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक पंचायत में चला गया। पूछा पंचायत कैसा था? तो एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, इसी का पंचायत था, उसमें हम चले। उस व्यक्ति ने कहा जब प्रेम में पंचायत हो तो झगड़ा लड़ाई में क्या होगा? है प्रेम में पंचायत की आवश्यकता? है जरूरी? प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, कोई पंचायती हुई, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, कोई मामला फौजदारी हुआ? प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई कभी हुआ? प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? प्रेम हुआ जय प्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? फिर इस लड़का लड़की के प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? अगर वास्तव में दोनों के बीच प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। राम और सबरी के बीच में कभी नहीं पंचायती हुआ, मीरा और कृष्ण के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ, राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में कभी कोई पंचायती नहीं हुआ। इस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती और आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में और प्रेम हुआ था सेवरी और राम के। प्रेम निर्विकार है, प्रेम में कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता है, और प्यार में सारे विकार होते हैं। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम, और देह से देह के मिलन का नाम है प्यार। तो पति पत्नी में आत्मा का मिलन है क्या? देह का मिलन है, आत्मा का मिलन। वहां गाली भी होता है, पत्नी भी पति को गाली देती है समय से, और पति भी पत्नी को गाली देता है।
मारपीट भी होता है, मामला फौजदारी भी होता है, पर पंचायत भी होता है पति पत्नी के बीच, लेकिन शेवरी और राम के बीच तो प्रेम था, आत्मा से आत्मा। शेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जर्म अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद गमारी। प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं, एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलूटी, तीसरे विद्या के हीन, तो मैं आपका सेवा कैसे करूं। तो भगवान राम ने शेवरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मान हूं एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो हैं कैसे, बिनु जल बारी दे देखी। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, शेवरी और राम का शरीर दो और आत्मा एक हो गया था, इसका नाम प्रेम है, इसका नाम प्यार है। अब प्यार का उर्दू लफ्ज है मोहब्बत, लड़की फंस गई लड़का के मोह में, और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा वहां पंचैती होगी, जहां प्यार होगा वहां पंचैती होगी, और जहां प्रेम होगा वहां पंचैती की कोई आवश्यकता।